हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का हो रहा है 10:30 और बच्चे क्या कर रहे हैं मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये तीन बच्चे, तो ये दोनों अपना खेल रहे हैं और जीशु भी खेल रहा है। जीशु खेल रहा है पबजी, तो आजकल उसको बस पबजी ही दिखता है। और आज कोई भी क्लीनिंग नहीं दिखाएंगे। मेरा घर का सारा काम हो गया है, बेड वेड सब मैंने क्लीन कर दिया है और मैं नहा भी ली, बच्चे भी नहा लिए, सब लोग बैठे हैं, यानी कि मेरा सारा काम हो गया है। तो अब शाम तक फुर्सत, क्योंकि अब शाम को ही जाके फिर इफ्तार बनाएंगे और फिर मेरा काम स्टार्ट होगा। तो मैं अभी खाली बैठी थी ना, तो मैं सोची कि एक रिक्वेस्ट था रूपा नंदी का, और उन्होंने ना 2-3 बार मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि दी आप अपने सूट का कलेक्शन दिखाइए कि आपके पास सूट कैसे हैं, कुर्ती कैसे हैं। तो मैंने उनसे भी कहा था कि डियर मेरे पास कोई बहुत महंगा कुर्ती नहीं है, कोई भी मेरे पास सूट ऐसा नहीं कि ब्रांडेड है या बुटीक वाला कलेक्शन है, ऐसा नहीं है। मेरे पास नॉर्मल जो लोकल मार्केट से मैंने लिया है तो ये वही है। तो वो बोली थी कि जैसा भी है दी आप दिखाइएगा, अच्छा लगेगा। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो मैं उनसे भी बता दी थी, मैं सोची एक बार आप लोगों से भी बता दूं कि बहुत महंगी कुर्तियां नहीं है, जो भी है तो वो बस लोकल ही है, तो एडजस्ट करिएगा आप लोग। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ। तो आज सोचिए ना कि कुछ नया भी हो जाएगा आप लोगों के लिए और आप लोग देखेंगे कि मैं, मुझे क्या पसंद है, मैं कैसे सूट रखी हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं निकालती हूँ पहले अपना कुछ कुछ वो, और बहुत से ऐसे हैं जो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में दिखा दी हूँ, तो आज वो नहीं दिखाऊंगी, एक बार वो दिखा दूंगी कि मैंने आपको ये दिखा दिया है, तो जैसा भी है वैसा दिखाते हैं। मेरी फेवरेट कुर्ती है ये, लॉन्ग है, और आप लोग देखे होंगे मेरा बकरा ईद वाला जो ब्लॉग है ना, बकरीद वाला, मैंने उसमें पहना था ये, तो उस समय ली थी। और सिर्फ ये दुपट्टा ना मेरी मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले जब अब्बा हज के लिए जा रहे थे तब मैंने सूट लिया था, तो ये उसका दुपट्टा था, एकदम अच्छा दुपट्टा, मुझे अच्छा लगता है ये दुपट्टा। तो ये दुपट्टा था और सूट खराब हो गया था, तो मैंने ये दुपट्टा इस वाली कुर्ती में लगा के पहना था, इसका दुपट्टा नहीं। तो ये है वो कुर्ती। ओके, मैं ऐसे दूर से दिखाती हूँ। ओके, तो ये होगा, तो ये है कुर्ती। और यहाँ पे ना इधर में बस वर्क है और ये साइड में, और मुझे ना सिंपल बहुत अच्छा लगता है, और ये खुला हुआ है, ये देखिए। तो ये कुर्ती मैंने बकरीद में लिया था, है ना, अच्छा है ना कलेक्शन? कलेक्शन अभी हुआ नहीं। तो ये कुर्ती मुझे सिंपल बहुत अच्छा लगता है। तो एक ये है और ये वाला मैंने पहले अपने ब्लॉग में दिखा दिया है, लेकिन जो नए हैं वो नहीं देखे होंगे, तो मैं इसे भी दिखा देती हूँ एक बार। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो ये नेक पे, और ये जब मैं मंगा रही थी ना तो मुझे बहुत डर था कि पता नहीं कैसा आएगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, और इसका काम भी ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा आस्तीन पे भी काम है,
दोनों आस्तीन पे, ठीक है। और यहाँ पे साइड में ना सिर्फ बॉर्डर दिया है, ये बॉर्डर, ये आप देख सकते हैं, ये बॉर्डर है। बहुत प्यारा सूट है, बहुत प्यारा। ये और इसके साथ स्कर्ट मिला था, लेकिन मैंने इसे ना प्लाजो कर लिया था। तो ये प्लाजो अच्छा था, ये भी सूट बहुत अच्छा आया था। और मैं दिखाती हूँ, एक ये कुर्ती है जो मैंने एक ब्लॉग में, जब मैं कहीं शादी में गई थी तो मैंने इसे पहना था और आप लोगों को बहुत पसंद आया था। ये मैं उल्टा ही रखती हूँ क्योंकि ये लाइट कलर है ना, तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, इसलिए मैं इसे पहले सीधा कर लूँ, फिर आप लोगों को दिखा। ये इसमें फ्लावर बने हुए हैं और ये और इसकी आस्तीन तो और भी प्यारी है, ये देखिए। और मुझे ना ये जो बुटीक बुटीक वाला जो काम होता है ना, बूटी बूटी वाला, बुटीक बुटीक कह रहे, बूटी वाला जो काम होता है, मुझे ये बहुत पसंद है। ये साड़ी में भी होता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये मिरर वर्क है और ये ना मुझे ज्यादा महंगा भी नहीं मिला था, मेरे ख्याल से 700 के ही लगभग था, 700 का था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। जबकि मैंने इसे 2-3 बार वॉश किया है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा निकला। और दिखाते, ये वाला भी मैंने दिखाया था, ये मैं ऑनलाइन मंगाई थी, ये वाला दिखा दूं, ये सरारा सरारा वाला है। तो मेरे पास दो हैं, दो सरारा का है। एक मैंने जब मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, उसके बाद मैं फिर गई थी 20-25 दिन बाद, फिर मैं दिखाने के लिए गई थी बनारस, तो वहां से मैंने ईद की शॉपिंग की थी, तो ईद में लिया था ये वाला। ये ऑनलाइन मंगाया है, ये भी बहुत अच्छा निकला। और इसका शायद उस समय मैं ली थी 600 रुपए में, दोनों था, कुर्ती भी था और शरारा भी था। ये ओके, तो ये था, इसमें दुपट्टा नहीं था। और ये जो मैंने अपने हाथ से सिला था, ये वो है जो मैं उस दिन शादी में जा रही थी तो मैं पहनी थी, तो ये वो है, ये और ये साड़ी का है। मेरे पास एक साड़ी थी जिसकी ना लंबाई थोड़ी सी कम थी, जब भी मैं पहनती थी तो वो थोड़ी सी ऊंची ऊंची हो जाती थी, तो अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैंने इसे काट के अपने हाथ से ही सूट बनाया था। और मुझे चाहे साड़ी हो चाहे सूट हो, ये जो बॉर्डर होती है ना, ये बॉर्डर वाला मुझे बहुत पसंद आता है। और मैं अपने सूट में जो अधिकतर ढूंढती हूँ, जो मुझे चाहिए होता है, सूट में ज्यादा काम ना हो, थोड़ा बहुत काम हो, प्लेन भी चलेगा। और मुझे ये जो लंबी वाली जो आस्तीन होती है, जो यहाँ पे आता है तो चूनट हो जाता है ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। वैसे सूट मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैंने अपने हाथ से ही सिला था, बहुत प्यारा सिलाया था। और ये लेस मैं खरीद के लाई थी और फिर लगाई थी। और ये जो आप स्टोन देख रहे हैं ना, ये जिया का एक सूट था जो पुराना हो गया था और छोटा भी हो गया था, तो उसका मैंने निकाल के और फिर यहाँ पे लगा लिया था। जबकि मैच नहीं कर रहा है, गोल्डन और सिल्वर है,
लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता। तो ये और जो मैं बता रही थी कि मैं बनारस से ली थी शरारा, जबकि मैं इतना चमक चमक वाला ना नहीं लेती हूँ, मैं नहीं है मेरे पास, लेकिन हस्बैंड बोले कि एक दो ले लो, क्योंकि कभी जैसे शादी उदी में जाना पड़ता है ना, तो फिर फीका फीका सा लगता है, तो एक ये मैंने लिया था और अच्छा लगता है मुझे, ये इसका कलर अच्छा लगता है। तो ये सूट है ऊपर का और फिर नीचे का शरारा है, मैं दिखाती हूँ। और यहाँ तक की आस्तीन है। और बनारस में ना, बनारस के जो होंगे उनको पता होगा कि बनारस में अच्छा मिल जाता है, हमारे यहाँ से तो बहुत अच्छा मिल जाता है। ये वाली ड्रेस मेरे ख्याल से 1300 में होगी, हाँ 1300 1400 1400 ऐसे ही था, और मुझे अच्छा लगा। और ये इसका शरारा, हाँ, और ये ना पीस में था, सिला सिलाया नहीं था, पीस में था, ये मैंने बनवाया है। और ये तो बस ये नीचे में ही थोड़ा वर्क है और ऊपर में प्लेन है। तो मेरे पास दो ही शरारा थे, एक हैवी में है और एक लाइट में है, तो अच्छा लगता है, शरारा भी अच्छा लगता है। वैसे मुझे ज्यादा लॉन्ग फ्रॉक लॉन्ग गाउन जो होता है ना वो अच्छा लगता है, और फुल आस्तीन का अच्छा लगता है, और सूट भी बहुत अच्छे लगते हैं, सूट भी पहन लेते हैं, और लेकिन हाँ लेगिंग्स मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता और मुझे खुजली होने लगती है, तो इसीलिए लेगिंग्स को थोड़ा सा मैं इधर उधर करती हूँ। और जब सूट, जब फ्रॉक सूट का बहुत ज्यादा वो चल रहा था ना कि सब लोग के पास फ्रॉक सूट का फैशन जब गया है, तो मैंने फ्रॉक सूट नहीं लिया था, मैं फैशन के साथ नहीं चलती हूँ, क्योंकि सभी लोग वैसा पहनते हैं ना तो फिर मजा नहीं आता। तो मम्मी मेरी ये मुझे दिलाई थी फ्रॉक सूट, और बहुत हैवी है और बहुत अच्छा सूट लगता है, ये पहनने पे भी ना बहुत प्यारा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। तो ये मैं ले नहीं रही थी, मैं थोड़ा सा पैसा बचाने वाली जो होते ना, तो मैं वो हूँ, और ये 3500 का था, जब वो दाम बोला ना तो मेरी तो, मैं बोली मैं नहीं लूंगी, मुझे नहीं पसंद है, मम्मी से बोले मुझे नहीं पसंद है, लेकिन मम्मी मेरे लिए फिर जबरदस्ती खरीदी। वो हमेशा ना महंगे ही पे ध्यान देती हैं, पैसा कभी नहीं सोचती थी। तो बस ये है सूट और अच्छा लगता है, मेरे पास फ्रॉक सूट ज्यादा नहीं मिलेगा यही। और अब लास्ट एक और बचा है, मेरे पास ज्यादा नहीं है तो, और ये मेरा फेवरेट है, ये देखिए ये कुर्ती, मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, कहीं भी अगर मैं जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए तो सबसे पहले मैं ब्लैक ढूंढती हूँ, पता नहीं ब्लैक से क्या है, लेकिन मुझे ब्लैक बहुत पसंद है। तो ये मैंने कुर्ती ना यही लोकल मार्केट से लिया था, और 500 के ही लगभग था, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, और इसका सबसे अच्छा लगता है ये जो है ना लगा हुआ है, तो अच्छा लगता है इस, ये दो है, एक यहाँ लगी है, तो अच्छी लगती है। और मैं इसका पूरा लुक दिखाऊं तो ये, मुझे प्लेन अच्छी लग रही है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, आप लोग भी बताइएगा कि कैसी लगी। और लास्ट एक जो मेरी पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड की पसंद है, और जिया को बहुत पसंद, क्योंकि दोनों लोग मिलके लिए थे,
और कुछ भी नहीं है अलमारी में। आज पूरी अलमारी आप लोग ना मेरी खाली करवा दिए, और इसको वापस से तहा के फिर रखने का एक डबल काम हो जाएगा। तो लास्ट ये इसमें का जो ये डिजाइन का है, मेरे पास दो कुर्ती है, एक ये है और एक ब्लैक कलर की है। वो कहाँ है वो नहीं पता, मैं जल्दी नहीं वो पहन, क्योंकि सिर्फ लेगिंग्स के चक्कर में नहीं पहनती हूँ, नहीं तो फिर वो तो पहन लूँ, लेकिन सिर्फ लेगिंग्स के चक्कर में थोड़ा सा इधर उधर ध्यान। तो ये है ये, और इसमें भी फुल आस्तीन है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से 3/4 लेंथ बोलते हैं ना, तो ये वही आस्तीन है। और यहाँ पे ये ना जो सूट का सबसे जो माइनस पॉइंट लगता है मुझे, जो जब मैं कुर्ती और कुछ लेती हूँ तो ये चीज ध्यान देती हूँ कि ये आस्तीन के अंदर देखिए अस्तर नहीं लगा है, जो सबसे बेकार चीज, ऐसे ना अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा अगर इसमें अस्तर रहता ना आस्तीन में तो बहुत अच्छा लगता है, वो जो छोटी वाली जो रहती है वो, तो ऐसे पहनने में अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो मैं दुपट्टा ली रहती हूँ तो उतना पता नहीं चलता है, लेकिन खुद से भी अच्छा नहीं लगता है मुझे ये वाला में, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि नेट के या इस टाइप का कुर्ती उर्ती ना लूँ। जब ना आप कितने भी महंगे से महंगे ड्रेस ले लीजिए, बहुत प्यारे ले लीजिए, लेकिन जब आपको अंदर से खुशी नहीं मिलेगी, आप वो चीज पहन के कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे, किसी के सामने नहीं जा पाएंगे, तो वो ड्रेस आपकी कोई काम की नहीं है, बेकार है। अपने आप को खुशी मिलनी चाहिए और जिसमें हम कंफर्टेबल हों, और मैं तो यही बात मानती हूँ कि मैं, आप समझ सकते हैं कि मैं वैसे ड्रेस पहन के ऐसे ना मैं नहीं आ पाती हूँ। आज तक शादी को इतने साल हो गया, लेकिन मैं कभी, क्योंकि घर में इतने सारे लोग हैं और कोई देखे बोले उससे क्या मतलब है, लेकिन खुद को भी सुकून मिलना चाहिए। मेरा ये सुकून वर्ड ना बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा लग रहा है। तो चलिए पहले ये सब हटा देते हैं, मेरे कलेक्शन खत्म हो गए, और उसके बाद फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो मैंने सब कुछ हटा दिया है और वापस फिर अलमारी में लगा दिए हैं। तो चलिए फिर, नहीं तो आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को मेरे सूट कैसे लगे, आई होप अच्छे ही लगे होंगे। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, और फिर कल मिलेंगे क्लीनिंग, कुकिंग और एक्स्ट्रा जो भी है। तो फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, और आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और जो भी लगा था अच्छा लगा या बुरा लगा तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि मेरे कलेक्शन कैसे लगे आप लोगों को। तो आई होप अच्छे लगे होंगे। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।